ऐसा ही होता है ना, कहीं भी कोई भी मेहमान जब जाता है तो घर के सारे परिवार वाले उनको बाहर छोड़ने के लिए आ जाते हैं। लड़कियां भी आनू उनको फटाफट काम ना करना है ना, ये तो देर है के, तो फटाफट जानू। और आज ना मेरे चौलर नानी हाल छो अपू नानी वहाँ, तो अंकल जी से पूछती हूँ ना भाबर की रुपाई में और पहाड़ों की रुपाई में क्या अंतर होता है। अंकल जी क्या, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, मैं पूजा आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, मॉर्निंग के 10:30 बज चुके हैं, बाकी हम लोगों ने ना नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने धान का बीना निकाला है और आज ना उसकी रुपाई होने वाली है। तो अभी ट्रैक्टर नहीं आया है, ट्रैक्टर आने के बाद खेत में बहुत सारे काम है तो स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी आधे काम ना अभी शुरू हो चुके हैं। अभी खेत में पानी लगा दिया है, पानी लगाने के बाद इसमें अभी ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर से भी खुदाई होगी, उसका झाड़ वगैरह साफ होगा, उसके बाद होगी रुपाई स्टार्ट। तो अभी हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया है, बाकी आज ना हम लोगों ने हिनू लोग को भी यहीं रोक लिया है, तो आज ये लोग भी हमारे साथ रुपाई का काम करेंगे, मतलब रुपाई लगाएंगे। बाकी रुपाई के लिए तो लेबर लगाए हैं, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को भी रोक लिया, क्यों ना आज के दिन सभी लोग साथ में मिलके काम करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ना साथ में सब लोग हो तो अच्छा ही लगता है। बाकी अभी चलते हैं हम लोग भी नीचे, और अभी ना मुझे जाना है एक जगह राशन लेने के लिए, कंट्रोल राशन लेके आती हूँ फिर मिलती हूँ। बाकी अभी ट्रैक्टर आने वाला है, उसके बाद क्या क्या काम होता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। ऊपर से ना मैं भी नीचे आ चुकी हूँ, बाकी अभी ना हम लोगों ने गेहूं डाल रखे हैं वहाँ पे, तो गेहूं को बीनते हैं और उसके बाद गेहूं को ना पिसाने के लिए देंगे। तो आजकल ना घर में पौड़ है इसलिए पिशू खत्म हो गो, तो गेहूं को बीनते हैं उसके बाद पिसा के लाएंगे। और अभी तक ना ट्रैक्टर नहीं आया है, ट्रैक्टर का वेट भी कर रहे हैं। बाकी हम लोगों ने जाना है राशन लेने के लिए, तो हम लोग सोच रहे गेहूं भी दे चक्की में, राशन भी ले आएंगे, एक पंथ दो काज। राशन लेके भी आ चुके हैं, बाकी इस बार ना सरकार ने हमको दाव भी दिया है, तो दाल है चने की। बाकी खेत में भी ना ट्रैक्टर अब आ रहा है, आधा दिन तो निकल चुका है ट्रैक्टर के इंतजार में, तो अब चलते हैं हम भी खेत में, बाकी इस दाल को ना अंदर रखते हैं। अब भो बटी ना चणक और किसकी मांस की दाल खाएंगे हम। बाहर ना ट्रैक्टर आ चुका है और ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है, यानी कि जुताई का काम कर रहा है, उसके बाद खेत साफ करा जाएगा, फिर धान की रुपाई होगी। अभी मेरी ड्यूटी लगी है खाना बनाने की, तो मैं दाल और चावल बना देती हूँ, उसके बाद बाहर जाऊंगी। बाकी मेरी लड़की ना दाल लाए हैं वहाँ से कंट्रोल से, तो इसके साथ खेलने में लगी है। क्या है बाबू ये? दाल। क्या खाएगा? इसके साथ दाल खाऊंगा। हाँ? और बाद खाऊंगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। खाना बनाने के बाद ना अभी मैं भी बाहर आ चुकी हूँ, बाकी खेत में ना ट्रैक्टर भी आ चुका है, तो ट्रैक्टर का सबसे पहला काम ना खेत की जुताई करना रहता है। और पहले के टाइम में क्या होता था ना, बैलों से ही खेत की जुताई होती थी, दनेला लगाया जाता था, बाकी अब जैसे जैसे खेत टुकड़े टुकड़े में बढ़ने लग गए हैं वैसे ना इसमें ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई होती है। तो सबसे पहले खेत की जुताई होगी, उसके बाद खेत साफ किया जाएगा, उसके बाद रुपाई लगाई जाएगी। तो अभी आ चुका है खेत में ट्रैक्टर, बाकी ट्रैक्टर ने ना अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ट्रैक्टर ना अभी अपना काम करके चला गया है, बाकी आज ना फिर से हमारा इतना बड़ा पोपट हो गया। मॉर्निंग से हम लोग ट्रैक्टर के इंतजार में थे और पानी के इंतजार में थे, जैसे ही पानी मिला वो भी कम मिला, तो पानी की वजह से ना दो खेतों में तो अच्छे से ट्रैक्टर ने अपना काम कर दिया, यानी कि खेत की जुताई अच्छे से हो गई है। बाकी वहाँ पे जेठ जी लगे हैं अपने काम में, यानी कि खेत की सफाई करने में लगे हुए हैं, तो खेत में ना जितना भी झाड़ वगैरह होता है वो सब साफ करना पड़ता है, उसके बाद रुपाई होती है। बाकी दो खेतों में हमारी अच्छे से जुताई हो गई थी, लेकिन ये वाले खेत में ना हमारा बिल्कुल भी जुताई नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें ना पानी बहुत कम है और रुपाई के लिए ना पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, तभी ट्रैक्टर भी चलता है। तो अब इस खेत में ना पानी कम हो चुका है, इसकी वजह से ट्रैक्टर भी चले गया है, बाकी जब पानी आएगा ना नहर में उसके बाद ट्रैक्टर आ जाएगा, तो फिर से जुताई स्टार्ट हो जाएगी। कि धान के टाइम पे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पे ना कितने सारे सारस आए हुए हैं, यानी कि जब खेत की जुताई होती है ना तो इसमें ना कीड़े मकौड़े निकलते हैं, बतखों को ना यही सब चीज़ें चाहिए होती है खाने पीने के लिए। और अभी ना जुताई हुई है तो बतख भी सारे के सारे आ चुके हैं, बाकी ये ना बतख नहीं है, ये है छोटे वाले जो सारस बोलते हैं ना जिनको, वो है। तो अभी आप देख सकते हो खेत में ना कितने सारे आए हैं, और इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे आए हुए थे, तो अब ना ये अपना खाना ढूंढ रहे, देखो मस्त होके। बाकी अब ना हम लोग घर को जाने लग गए हैं और अब घर जाके खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ना पिनालू के पत्ते इतने अच्छे खासे हो रहे हैं, तो क्या पता अगर टाइम शाम को टाइम होगा तो आज पिनालू के पत्तों की सब्जी बनाई जाएगी, यानी कि क्या बोलते हैं उनको, पत्यूड़ या गुनके जो भी बोलते हैं वो बनाई जाएगी। बाकी हम लोग ना खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने गाय के खाने का भी इंतजाम कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुट्टी वगैरह डाल दी है, बाकी इसको सान के अभी थोड़ी देर में गाय बिच्छू को देंगे। तो अब चलते हैं अंदर को, खाना खा लेते हैं। बाकी पापा पोपट हो गया, बाकी जब पानी आएगा ना उसके बाद से काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं अंदर को, खाना खा लेते हैं और सब लोग को खाना खिलाते हैं। किचन में आ चुके हैं और अब सबको खाना देते हैं, बाकी खाना ना रेडी हो चुका है। आज इसमें बनी है साबुत मलका की दाल और इसमें चावल,
तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। शाम के 3:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग भी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, बाकी अब उठ चुके हैं। खेत में ना रोपाई लगना भी स्टार्ट हो चुका है, तो इस बार ना मम्मी ने लेबर लगाए हैं, तो वही आए हैं लगाने के लिए रोपाई। बाकी इस बार हम लोगों ने सोचा था हम लोग भी जाएंगे, लेकिन अब वो लोग लगा रहे हैं तो उन्होंने फटाफट से लगाना स्टार्ट भी कर दिया, बाकी एक खेत ना कम्प्लीट भी कर लिया है। तो अब चलते हैं खेत में, और ना मैंने उनके लिए चाय बनाई है पहले, तो चाय पीते हैं, और भैया सब लोग पीछे ही हैं, तो चलते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। बाकी आज ना हिनू बोल रही है इतना बड़ा पोपट हो गया, हमने सोचा हम लगाएंगे, यहाँ तो आंटी जी ने लेबर लगा दिए। तो अब चलते हैं अंदर को और चाय बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चाय भी रेडी कर ली है, बाकी मेरे हाथ में मिश्री वाली चाय और हिनू के हाथ में है चीनी वाली चाय। तो चलते हैं अब सब लोग को चाय देते हैं। दिन की ना चाय भी हो चुकी है, बाकी यहाँ पे रुपाई लगाना स्टार्ट हो चुका है। तो अंकल जी से पूछती हूँ ना, भाबर की रुपाई में और पहाड़ों की रुपाई में क्या अंतर होता है? अंकल जी क्या रुपाई अंतर है? अभी तो वहाँ लेडीज लग रही है, फिर वो अपने भाषा में क्या क्या बोलते हैं, अभी गाना गाते ना, गाना गाते फिर बीच में नाचते। यहाँ पे भाबर की उसमें ऐसी होता है, भाबर की उसमें ऐसी होता है, यहाँ ठीक है रुपाई लगाना जल्दी जल्दी ना, वहाँ तो फिर दुनिया भर का अहलिया लाओ बोशिया लाओ। पहाड़ का आसान हुआ या भाबर का आसान हुआ रुपाई लगाना? वैसे पहाड़ का अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ हंसी मजाक से, हंसी मजाक से लग जाता है, काम के तौर पर यहाँ सही हुआ। ये तो है, पहाड़ों में ना रुपाई लगाते हैं तो सारी गांव की औरतें इकट्ठा होकर लगाती हैं, उसके बीच में ना झोड़ा भी हो जाता है, गाने बजाने भी हो जाते हैं, तो मनोरंजन भी हो जाता है काम के साथ साथ। बाकी प्लेन साइड ऐसा नहीं होता, प्लेन साइड ना आप रुपाई ना लगाओ, लेकिन आप लगा सकते हो किसी को तो वो लगा देते हैं मस्त करके। बाकी आज ना रुपाई लगाने के लिए जिन भैया लोग को लगाया है ना, उनकी स्पीड देख के ना हम लोग हैरान हो गए, मतलब उन्होंने आधे घंटे में वो वाला खेत कर दिया था, बाकी इसको भी वो लोग ये कितनी देर में हो जाएगा भैया? आधे घंटे में इसको भी कर देंगे फाइनल। आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो आज ना हम लोगों ने अंकल जी को भी रोका था रुपाई लगाने के लिए, बाकी अंकल जी ना अब घर को जाएंगे ना। अंकल जी का ना पोपट हो गया। हम लोगों ने अंकल लड़की के यहाँ शाम को कल से निकल जाऊंगा पहाड़ को। अंकल जी लोग कल चले जाएंगे पहाड़ को, बाकी आज अपनी लड़की के यहाँ ही रुकेंगे। मेरे वहाँ इनका पूरा हो गया, मतलब अब मेरे वहाँ नहीं रह रहे ये, अपनी दूसरी अपनी लड़की के वहाँ जा रहे हैं। अपनी बेटी के वहाँ का स्वाद खाता हूँ बस। तो अंकल जी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इतने दिन तक हम लोग साथ में थे। बाकी आज मैं बोल रही थी इनके लिए पिनालू के पत्तों की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अंकल जी लोग ना आज वहाँ जा रहे हैं, तो कोई नहीं, चलो एक दिन वहाँ भी सही, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना अंकल जी वहाँ भी नहीं जा पाए किसी कारण से, तो अब आज वहीं जाएंगे। आज मतलब लड़की के हाथ का खाना खाएंगे, बाकी कल तक मेरे इस लड़की के हाथ का खाना खा रहे थे, आज उनके हाथ का खाना खाएंगे, बाकी कल अंकल जी पहाड़ को चले जाएंगे ना। फिर कब मिलेंगे? बीट में मिलते रहेंगे, वीडियो में मिलते रहेंगे, बाकी मिल ही जाएंगे कभी ना कभी, फिर चले जाएंगे पहाड़ की साइड को। बाकी अभी चलते हैं, और भैया लोग ना पानी की बोतल मंगा रहे हैं, पानी की बोतल देती हूँ। बाकी उनकी रफ्तार को देख के ना हम लोग तो दंग रह गए, अभी तक यहाँ पे थे अभी वहाँ पहुँच गए। सबसे तेज ना ये तीसरे वाले भैया लगा रहे हैं, इनकी स्पीड इतनी तेज हो रही है ना मैं क्या बताऊँ आपको, फटाफट ये मस्त करके लगा रहे डोपट डोप करके। तो घर आने के बाद ना हमें पेड़ में एक पका हुआ कटहल भी मिला है, बाकी ये कटहल ना बहुत ज़्यादा पका है, तो इसको गाय को दे देंगे। और यहाँ क्या होता है ना, यहाँ से प्लेन साइड आप जाओगे ना तो वहाँ को ना इस कटहल को फल के तौर पे खाया जाता है, तो इसको गाय को देते हैं। हम लोग ना खेत से घर आ चुके हैं, बाकी अब हिंदू लोग भी जा रहे हैं अपनी दीदी के वहाँ, उसके बाद कल मॉर्निंग में वो लोग चले जाएंगे पहाड़ को। तो अब भी निकलने की देरी है, बस तैयार हो चुके हैं सब लोग, तो अब सब लोग ना बैठे हैं और हम सब लोग उनको छोड़ने के लिए बाहर से आए हैं। ऐसा ही होता है ना, कहीं भी कोई भी मेहमान जब जाता है तो घर के सारे परिवार वाले उनको बाहर छोड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बुरा भी लग रहा है कि वो लोग जा रहे हैं, काफी टाइम हम लोग साथ में ही रहे। बाकी हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे आम का अचार, खास तौर पे हिन्नू और उनकी देवरानी के लिए, ठीक है। बाकी हम लोगों ने पैकिंग तो कर दी है और अब चलते हैं, उसके बाद हम लोग लगेंगे अपने अपने काम पे। भो बटी ने तू देवरानी जेठानी के ही ब्लॉग देखोगे। आज तक का हमारा साथ यही तक का था, बाकी ये लोग कल जा रहे है ब्लॉग में जगह लेते हैं ना, तभी तो व्यूज पाओगे। प्रेम से नहीं बोल रहा तू या ऐसी होती नहीं है ना अंकल जी हमारी, करना पड़ेगा ना, फिर आदमी को दिखाएंगे तभी तो व्यूज आएगा। हाँ ऐसे प्रेम से बोलेगा था यार, ये तो ऐसे रहते हैं यार, क्या देख रहे हैं रोज की ऐसी ठहरेगा ना, कभी तू मैं करो तब देखो व्यूज वो रात्री बर शुरू हो जाए। तो ये लोग ना अब जाने लग गए हैं, और मेरे हाथ में है अचार का डब्बा, बाकी अब इन लोग को छोड़ते हैं और ये लोग जाएंगे दीदी के वहाँ, और हम लोग लग जाते हैं अपने काम पे। तो भैया ने ना इतनी जल्दी हो रही, भैया ने गाड़ी भी निकाल दी है बाहर को। मिस्टर जी लो मत, रो रहे हो यार,
इधर को देखो फिर, अगर रो नहीं रहते इधर को देखो, ये देखो सीजा बंद नहीं कर रहे, मेरा हाथ दब जाएगा। अरे नहीं, पहले इधर को देखो, बाय बोलो। ये कंटेंट चुराया जा रहा है। बाय बोलो, चलो बाय। इधर को देख के चलो फिर, ठीक है चलो फिर, अमित जी प्रणाम, चलो बाय बाय बाय, चलते रहो, बाय, ठीक है, अपना ख्याल रखना। Sani gani ga, magani sa sani gani ga. ये लोग भी चले गए हैं, बाकी अब हम लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और इतने दिन हम लोग साथ में रहे तो पापा मम्मी बोल रहे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा उनके साथ, और मतलब अंकल जी की तारीफ हो रही है, पापा बोल रहे बहुत अच्छे इंसान है। मम्मी कैसे हैं वो? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा, गंदा लग रहा ना? लग रहा है, कल तो भरा भरा लग रहा था, गंदा लग रहा है ना? एक दिन तो बुरा लगता ही है, क्योंकि कल तक ना हम सब लोग साथ में थे, बोलना चालना खाना पीना सब साथ में ही हो रहा था, और अब काफ़ी ज़्यादा गंदा भी लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। बाकी अब हम ना अपने अपने काम पे लग जाते हैं और खेत में जाते हैं, कितना उन लोगों ने काम कर दिया है। नड़के भी आनू, उनको फटाफट काम ना करना है ना, ये तो देर है के, तो फटाफट जानू। और आज ना मेरा चौलर नानी हाल जो वो नानी वहाँ, तो उसको भी अभी थोड़ी देर में लीवे हॉल में, क्योंकि ना वो रात पर रह जी, मतलब वो बोल रहा था कि मैं नानी के यहाँ चले जाता हूँ, तो वो हम रात पर नानी वहाँ छोड़ आई। बाकी अभी एल ना तो मैं लीबे ऑल, नहीं तो फिर रावत जी ऑफिस वाला जब उली बार आए, तो रावत जी आपको दगड़ी दगा मिलाल बाजार में, यानी कि मिस्टर जी दगे वहाँ बाजार में ना गपशप वगैरह है, बढ़िया कभी मिला लियो। फिर वीजा वी बार रावत जी यानी कि उनको रात है जल, तो मैं यस कर लूँ, पहले काम हम कर लूँ, फिर दक्षू को लीबे ऑल घर पे। रात के 10 बज चुके हैं और अभी हम लोग भी खाना खाने के बाद रूम पे आ चुके हैं, बाकी अब करते हैं रेस्ट। तो आज ना काफ़ी ज़्यादा गंदा भी लग रहा है, क्योंकि ना कल तक तो कार्तिक भैया और हिन्नू लोग ना हमारे साथ ही थे, बाकी एक ही रूम में हम लोग रेस्ट करते थे, ऊपर हम लोग करते थे और बाहर वाले कमरे में वो लोग रेस्ट करते थे, तो अच्छा लगता था ना, साथ में ही है। रात के 12 बजे तक तो हमारी गप्पे शप्पे ही चलती थी, उसके बाद हम लोग सो जाते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था उनके साथ। तो आज वो लोग चले गए ना, काफ़ी ज़्यादा गंदा भी लग रहा है, कमरे में ना एकदम सुनसानी जैसी लग रही है। तो अभी है ना एक बार हम उनको फ़ोन करते हैं, अगर वो फ़ोन उठाएंगे तो हम बातचीत करेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी मैं ना फटाफट से ना उनको फ़ोन मिलाती हूँ, वैसे तो ना उन लोगों का फ़ोन मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है उन लोगों का फ़ोन, बाकी कोशिश करते हैं, अगर मिल जाएगा तो बात करेंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने ना उनको वीडियो कॉलिंग करी है, अगर उठाएंगे तो ठीक है, कमरे में सुनसानी लग रही है ना, तो अब ना हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करने के बाद मिलते हैं आपको। हम लोगों ने ना उनसे बातचीत भी कर ली है, और बातचीत करते करते ना 10:30 बज चुके हैं, तो अब दोस्तों रेस्ट करते हैं और आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। बाकी एंड में ना मैंने आपको धान की रुपाई नहीं दिखाई कि कितनी हो गई थी, वैसे तो उन्होंने पूरी कर दी थी, बस मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि ना शाम के टाइम में बहुत तेज बारिश हो गई थी इस वजह से। बाकी आगे वाली वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि कैसे उन्होंने पूरे खेत में ना इतना अच्छे से धान लगा दिया, हरा भरा हो गया हमारा खेत। तो अब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारा ख्याल रखें, बाय बाय।